हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाली डिज़ाइन, जो कि इस डिज़ाइन का हम पंचिंग करने वाले हैं। कल इस डिज़ाइन को हमने बना लिया था, तो चलो पंचिंग करना स्टार्ट कर दे। और इस डिज़ाइन में देखिए, आपको ये वाला पार्ट भूल जाना है। देखिए बाकी सब पार्ट सेम है, आपको खाली इसी का पंचिंग करना है। उसके बाद इसी को साथ में ही कॉपी कर लेना है। तो इस बार थोड़ा अलग तरीके से पंचिंग करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमको बोला गया है कि भाई एक भी जंप मेरे को नहीं चाहिए, मतलब सभी आपको रनिंग में लेने हैं, चाहे बीच में कोई भी रन आ जाए, आपको मतलब जंप लेना ही नहीं है। तो चलिए उसी तरह से पंचिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि उससे पहले देखिए, आपको ये कनेक्टर में जाके ये वाली प्रोसेस कर देनी है। इसको ऑफ कर देना है, इसको ऑफ कर देना है, और ये टाई ऑफ को भी ऑफ कर देना है। तो ये वाली इतनी प्रोसेस आपको कर देनी है। उसके बाद देखना है कि पहला कलर कौन सा चलेगा। तो उसके बाद दूसरी भी प्रोसेस कर सकते हो, यहाँ से स्पेशल में जाके यहाँ से जो ट्रैवल रन है उसको आप 60 mm कर देना। तो ये वाली भी प्रोसेस कर देना। उसके बाद देखिए पहला कलर कौन सा चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला कलर चलेगा वो है रेड, उसके बाद चलेगा येलो, उसके बाद ग्रीन, और लास्ट में चलेगा हमारा आउटलाइन। तो चलिए पंचिंग करना शुरू करते हैं। तो खाली हमें इसका ही पंचिंग करना है, ये दोनों का ही पंचिंग करना है, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में बिठा के रखिए। और इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको भूल जाइए। तो देखिए यहाँ से रेड कलर की शुरुआत करेंगे हम। यहाँ से वो क्यों शुरुआत करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ पे एंड कर देंगे। तो ये वाला क्यों किया मैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसको रेड कलर कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे, फिर यहाँ से कॉपी हो जाएगी, क्योंकि हमें एक भी जंप नहीं लेना है। तो फिर यहाँ से ये सीधा रन पकड़ लेगा और यहाँ से फिर ये वाला बन जाएगा इसी वजह से। तो ये रेड कलर हो गया। उसके बाद ये ऊपर वाले की है, तो देखिए यहाँ से एक रन लेंगे, एग्जैक्टली सेंटर में लेना है, यहाँ पे आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमें जंप नहीं लेना है, तो ये आउटिंग है, उसी के ऊपर हमें चले जाना है, यहाँ से इस तरह, और इसको यहाँ पे एंड कर देंगे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हमारा रेड कलर में हो गया, इसको मैं सिलेक्ट करके रेड कलर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इतना हो गया। अभी देखिए ये वाला बनाना है, ठीक है। तो ये वाला कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं एच प्रेस करता हूँ। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेना, ये ब्लू आउटलाइन के नीचे दब जाए इस वजह से। वैसे ये येलो कलर है तो इसके नीचे भी दबी जाने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अगर आप चाहो तो एच प्रेस करके यहाँ पे ये वाली प्रोसेस कर सकते हो, ताकि यहाँ पे नीडल पॉइंट आ जाए, एंटर कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जहाँ पे नीडल पॉइंट है वहां से ही रन लेना है, यहाँ से यहाँ पे रन ले लेंगे, इसको बैक ट्रैक करके वापस आ जाएंगे, और इसको हमको रेड कलर में लेना है, ये चीज आपको नहीं भूलना है। देखिए इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रेड कलर कर देंगे। उसके बाद मैं रन लूंगा, रन को भी मैं रेड कलर में ले लूंगा। देखिए यहाँ से ये हो गया, तो ये देखिए हमारा रेड कलर का ऑलरेडी पंचिंग हो गया है। उसके बाद देखिए इसका मैं पंचिंग साथ में कर ही देता हूँ। देखिए अल्टर वीवी, यहाँ से मैं खाली रेड कलर करूंगा, होम प्रेस करूंगा। चलो इसका पंचिंग हम बाद में करते हैं, पहले खाली मैप ही बना लेते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा कलर चलेगा, येल्लो कलर। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा रेड कलर खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से ही हमको येल्लो कलर चालू करना है, यहाँ से ही, देखिए यहाँ से ही हम येल्लो कलर चालू करेंगे, इसी के ऊपर येलो कलर यहाँ पे। और इस बार क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके मैं येलो कलर कर देता हूँ। देखिए अभी अभी देखिए कंट्रोल यू करेंगे, देखिए इसको भी कंट्रोल यू करेंगे, एच प्रेस करेंगे, कंट्रोल यू, देखिए इसका एच प्रेस करेंगे, एच प्रेस करेंगे, देखिए इसका नहीं, इसका। तो अभी क्या होगा, ये स्टार्ट है, एंड है, तो यहाँ से हम एक्स वी करके वापस इधर आ जाएंगे। तो वापस जाने के लिए फिर से यहाँ से रन लेंगे, और ये ब्लू कलर के ऊपर ही लेना है आपको, यहाँ से ब्लू कलर के ऊपर लेंगे, और फिर यहाँ से ये ब्लू कलर पे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे खत्म कर देंगे, यहाँ से यहाँ पर इसको, ये हमारा येल्लो कलर खत्म हो जाएगा। तो लेकिन इसको येल्लो कलर देना भूलना नहीं है। उसके बाद देखिए ये वाला है, तो ये वाला भी सिंपल है, यहाँ से येल्लो कलर में कर देता हूँ, फिर यहाँ से ये रेड कलर के ऊपर ही हमें यहाँ से ये येलो कलर ले दे देना है। उसके बाद देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट इसके बराबर है, कंप्लीट है। तो ये हमारा रेड कलर का पंचिंग हो गया। अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब पंचिंग करेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा।
उसके बाद कौन सा कलर चलेगा, उसके बाद हमारा ग्रीन कलर चलेगा। तो ग्रीन कलर का देखिए कहाँ से चलेगा, यहाँ से स्टार्ट का। अभी हमारा देखिए ये रेड कलर, देखिए रेड कलर यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहाँ से येलो कलर चालू होते हुए यहाँ पे खत्म किया, तो ग्रीन कलर इधर से ही चालू करेंगे। तो एच प्रेस करेंगे और देखिए इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और एंड पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और इसका पंचिंग कर देंगे। इसका देखिए यहाँ से इस तरह से सेंटर में ले लेना है, यहाँ पे ले लेंगे। इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ग्रीन कलर। उसके बाद इसको अनग्रुप करेंगे, देखिए ये यहाँ पे है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहो तो इस तरह से रन ले सकते हैं, यहाँ से इस तरह से रन ले लेना है। यहाँ पे इस तरह से हम रन ले लेंगे और ये रन की वैल्यू हमें करनी पड़ेगी 1। देखिए मैं इसका देख लेता हूँ कितना है, 1 है, तो इसका हमें 1 mm करना पड़ेगा। 1 mm कर देंगे और बाकी भी जहाँ पे रिप्ले होगा वहाँ पे हम 1 mm कर देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ, फिर इसको कौन सा कलर कर देना है हमें, इसको भी कलर चेंज करना पड़ेगा हमें ग्रीन कलर। ये हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर पहुँच गए। तो देखिए यहाँ से ये होगा, यहाँ से एक्सवी करके वापस आ जाएंगे, फिर बैक ट्रैक करके वापस चले जाएंगे। तो बात करते हैं अभी इसकी, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से एक रन ले लेंगे यहाँ तक का, फिर यहाँ से एक रन ले लेंगे यहाँ तक का, इस तरह से कर देंगे। फिर देखिए इसके स्टार्ट एंड पॉइंट अलग अलग है, तो इसके स्टार्ट एंड पॉइंट भी साथ में कर देते हैं ताकि हमें पंचिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए इसका मैं इधर कर देता हूँ और इसका भी इधर कर देता हूँ, इतना हो गया। बाकी ये सर्कल का तो बाद में हम देख लेंगे। देखिए अभी ये ग्रीन कलर हो गया, उसके बाद वापस से इधर आएंगे, तो अभी हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो अभी हमें ऊपर जाना है। तो ऊपर कैसे जाएंगे, देखिए यहाँ पे एंड होगा हमारा ग्रीन कलर, तो उसके बाद यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ, फिर यहाँ से ये ब्लू कलर के ऊपर ही जाना है हमें, फिर देखिए यहाँ से इसका स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज करके हम पंचिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद ये ब्लू कलर के ऊपर ही जाना है, ब्लू कलर के ऊपर जाके हमें यहाँ पे आ जाएंगे। और ये मैंने ग्रीन कलर ही लिया है, हाँ मैंने ग्रीन कलर ही लिया है। उसके बाद देखिए इसका स्टार्ट एंड पॉइंट खाली चेंज करना है हमें, एच प्रेस करेंगे, इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और एंड पॉइंट रखेंगे यहाँ पे रखेंगे, इतना हो गया। तो देखिए अभी ये ब्लू कलर का हमें इसमें क्या है ना, बोर्ड काटना पड़ेगा, काट कुट करना पड़ेगा, लेकिन पंचिंग तो करना पड़ेगा क्योंकि हमको सब कुछ साथ में ही कॉपी करना है। और देखिए अभी हमारा ये ग्रीन कलर यहाँ पे खत्म हुआ है, तो हमारा जो ये ब्लू कलर है उसको भी इधर से स्टार्ट कर देना है। इधर से स्टार्ट कर देंगे तो ही कॉपी लगेगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पे, या तो फिर इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो बीच में से, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे खत्म होता है उधर से ही स्टार्ट करेंगे, या तो फिर लेकिन उसमें जंप आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर बीच में से स्टार्ट करते हम, बीच में से स्टार्ट करते स्टार्ट एंड यहाँ से, फिर यहाँ से इधर आ जाएंगे, यहाँ से करके इसको पूरा कर देंगे, फिर हाँ हम बीच में से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर अगर ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ से आएंगे, फिर इसको यहाँ से एक्सपी करके, हाँ इसको हम सेंटर से भी चालू कर सकते हैं, तो हम लोग सेंटर से ही करेंगे, सेंटर से ही एक्सपी करते आ जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं खाली अभी कितना कौन सा कलर चालू करता हूँ, खाली ब्लू कलर, तो ब्लू कलर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको स्टार्ट एंड पॉइंट में इकट्ठा करके यहाँ से चालू करता हूँ, तो यहाँ से ये तो पंचिंग हो जाएगा, उसके बाद ये वाला भी पंचिंग हो जाएगा, ये वाला भी पंचिंग हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ से मशीन जैसे यहाँ पे आएगा तो फिर ये वाला पंचिंग हो जाएगा, और फिर यहाँ से इसको बैक ट्रैक करके यहाँ से काट के फिर वापस से पंचिंग कर सकते हैं, हाँ ये वाला कर सकते हैं हम, या तो फिर इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड करके यहाँ से यहाँ से यहाँ, चलो इधर से ही करते हैं, वही बेस्ट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक पंचिंग हमारा रह गया है, जैसे ये वाला ये आउटिंग का है, तो आउटिंग का हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ तक आए तो फिर यहाँ से वापस से एक रन लेंगे हम, ग्रीन कलर में ही लेना है, तो देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ आना है, उसके बाद ये ब्लू कलर के ऊपर ही आना है यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। और देखिए यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल डी, इसको ग्रीन कलर कर दूंगा, रेड ग्रीन,
इसको कंट्रोल डी ग्रीन कलर करूंगा, इसको करूंगा कंट्रोल डी ग्रीन कलर करूंगा, इसको करूंगा कंट्रोल डी ग्रीन कलर, उसके बाद इसको करूंगा कंट्रोल डी ग्रीन कलर। तो ये वाला प्रोसेस हमारा रह गया था। और देखिए ये जो ग्रीन कलर है, हाँ ग्रीन कलर है, तो इसके ऊपर भी आपको एच प्रेस करना है और यहाँ से इस तरह से पॉइंट ले लेना है ताकि हमको पंचिंग के वक्त कोई एक्स्ट्रा रन देना ना पड़े। देखिए यहाँ पे ये यह हो गया। उसके बाद हाँ हम ब्लू कलर की बात करते थे, तो ब्लू कलर को अभी बहुत कन्फ्यूजन है कि कहाँ से स्टार्ट करें। बीच में से भी कर सकते हैं, अगर बीच में से करेंगे तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, इधर नहीं बीच में से नहीं कर सकते इसको, चलो इधर से ही करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, खाली मैं ब्लू कलर चालू करता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ से इसको काट देंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। देखिए अभी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एच करेंगे, एचपीएस यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका, या तो फिर इधर इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एच प्रेस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको और यहाँ पे एंड करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएंगे तो एच प्रेस करेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसी का पंचिंग कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए इसको इसको चलो हम पहले ब्लू कलर का पंचिंग करते हैं, बाद में एक्सवी करके इसको वापस से चेंज कर लेंगे। तो देखिए इसको मैं करता हूँ एक्सवी, ये जम चालू कर देता हूँ मैं। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको आएंगे तो इसको यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी काटना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए एच प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग, हाँ तो फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, एच प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ करेंगे, इसको कर देंगे एक्स वी, उसके बाद इसको एक्स वी एक्स वी एक्स वी और यहाँ से इसको एक्स वी। तो देखिए यहाँ से ये हो रहा है तो इसका हमें स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट एंड पॉइंट को चेंज कर देते हैं देखिए, और यहाँ से यहाँ 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 जैसे यहाँ पे आएंगे तो इसका हमें ये वाला पार्ट है ना, इसको यहाँ से इसका स्टार्ट एंड पॉइंट रख देंगे यहाँ पे और इसको कर देंगे एक्स वी। तो ये हमारा पंचिंग हो गया। देखिए अभी जो भी रास्ते में आते हैं वो इसका हमको पंचिंग करना है। जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसका पंचिंग करना पड़ेगा, तो एक्स प्रेस करेंगे, देखिए इसका स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका किया, इसको किया मैंने एक्स वी। देखिए अभी यहाँ से आए, यहाँ से फिर यहाँ पे आएंगे तो इसको कर देंगे एक्स वी। फिर देखिए यहाँ से इधर मैं रिटर्न जाता हूँ तो अभी यहाँ पे पंचिंग करना पड़ेगा इसको, क्योंकि लास्ट में तो देखिए वही वाला पार्ट है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करना था हमें, ये वाला ऑब्जेक्ट था, चलो कोई बात नहीं, वहाँ से स्टार्ट चालू कर दिया तो उसको एक्स वी करके हम कर देंगे पीछे की साइड, यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे। चलो ये वाले पार्ट को पंचिंग नहीं करना है, वो वाले पार्ट को बाद में पंचिंग करते हैं, वो क्यों मैं बताता हूँ आपको। अभी देखिए हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखिए इसका स्टार्ट एंड पॉइंट देखना है आपको, ये बराबर है, इसको कर देंगे एक्स वी। फिर आगे जाएंगे, इसको करेंगे एक्स वी, यहाँ से इसको एक्स वी, इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको करेंगे एक्स वी, यहाँ पे देखिए इसका सही सबका स्टार्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा, सबका चेंज करना पड़ेगा, इसको करेंगे एक्स वी। आगे जाएंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कर देंगे एक्स वी। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये तो बराबर है एक्स वी, ये भी बराबर ही होगा लेकिन एक बार देख लेना है एक्स वी। फिर यहाँ से इसको एक्स वी, तो ये हमारा पंचिंग हो गया। उसके बाद देखिए हम आएंगे यहाँ पे, सी प्रेस करते हैं यहाँ पे, हाँ पंचिंग करते आ जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसको ख़त्म करना है हमें, इसको ख़त्म करना है। उसके बाद देखिए ये वाले पार्ट को करेंगे एक्स वी और यहाँ से एच प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से वापस से रिटर्न आ जाएंगे एक्स वी करके, यहाँ पे रिटर्न आ जाएंगे। तो ये वाला पार्ट क्यों, ये मेरे को लगता है डबल कॉपी, हाँ मुझे पता ही था कि ये डबल कॉपी है। चलो अभी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे इतना हो गया।
देखिए अभी हमारा मशीन यहाँ पे अटका हुआ है, यहाँ पे आ गए। उसके बाद देखिए इसका पंचिंग कर देना है हमें, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए एच प्रेस करेंगे इसका, एच यू करेंगे और इसका एच प्रेस करेंगे और देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट को नीचे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे लाने के बाद इसको कर देंगे एक्स वी। उसके बाद मशीन को रिटर्न ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखिए इसका स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज कर देते हैं एक बार, यहाँ से यहाँ, फिर इसको कर देंगे एक्स वी। उसके बाद जैसे ही मशीन यहाँ पे पहुँचेगा तो इसको, ये पार्ट को हमें काटना पड़ेगा, तो यहाँ से काट देंगे ये वाले पार्ट को, यहाँ से ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे डिवाइड, यहाँ से इसको कट कर देंगे। फिर इसका खाली मैं देख लेता हूँ, चलो यहाँ से जाना पड़ेगा, एच प्रेस करते हैं स्टार्ट यहाँ पे एंड यहाँ पे एंटर, इसको कर देंगे एक्स वी, फिर एक्स वी करके वापस आ जाएंगे। और देखिए यहाँ से यहाँ पे आए तो इसके बाद इसका स्टार्ट एंड पॉइंट को हमें यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे एक्स वी, फिर यहाँ से एच प्रेस करेंगे, स्टार्ट एंड पॉइंट बराबर है, इसको एक्स वी करके वापस इधर आ जाएंगे। तो ये हमारा पंचिंग हो गया। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद देखिए इसको भी वापस से हमको काटना ही पड़ेगा, तो इसको इस बार बीच में से काट देते हैं। ये दोनों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, देखिए अभी खाली एक पार्ट का मेरे को देखना है कहाँ स्टार्ट एंड पॉइंट है, हाँ बराबर है। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे करेंगे, एंड पॉइंट यहाँ पे करेंगे, फिर उसके बाद इसको एक्स वी करेंगे, फिर एक्स वी यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इसका क्या करेंगे, यहाँ से इसका स्टार्ट एंड पॉइंट यहाँ पे रख देंगे और इसको कर देंगे एक्स वी, और यहाँ से एच प्रेस करेंगे, स्टार्ट एंड पॉइंट को चेंज करेंगे और वापस से रिटर्न आ जाएंगे। देखिए यहाँ से वापस से हम आ गए, लेकिन ये वाला बाकी रह गया, तो क्या करेंगे, मशीन को यहाँ पे लाएंगे, एच करेंगे और इसका स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज कर देंगे, क्योंकि पहले ही यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे इसको करना है एक्स वी। और देखिए यहाँ पे अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से वापस पूरा घूम के जाना पड़ेगा और इसको इस तरह से कर दिया, यहाँ पे ये आ गया, ये हो गया, या तो फिर ये नहीं करना है तो इसको एक्स वी करके बैक ट्रैक कर देना तो भी बराबर है। ये देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसके बाद इसका स्टार्ट एंड पॉइंट देखते हैं, इसका बराबर है, एक्स वी करके बैक ट्रैक, कुछ कुछ जगह पे बैक ट्रैक देना जरूरी भी है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक्स प्रेस करेंगे और इसका तो बराबर है, इसका तो पंचिंग हो गया मेरे ख्याल से, हाँ हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ से निकल आएंगे, उसके बाद अभी खाली इसका इसका पंचिंग बाकी है। तो देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये बराबर स्टार्ट एंड पॉइंट, इसको एक्स वी कर देंगे। उसके बाद मशीन को रिटर्न लेंगे और यहाँ से इसको काटना पड़ेगा। तो ये काटने वाला प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे काटने की ज़रूरत पड़ती है। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको ये करेंगे, फिर एच प्रेस करेंगे। इसका मैं एक बार देख लेता हूँ, तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, देखिए स्टार्ट इसका यहाँ पे रखना पड़ेगा और एंड पॉइंट यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर इसको एक्स वी इसको एक्स वी यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आते हैं तो इसका स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज कर देना है, इसका स्टार्ट एंड पॉइंट यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद इसको कर देंगे एक्स वी, तो ये हमारा पंचिंग हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये ब्लू कलर में पंचिंग हो गया है, इसको हटाओ यार इसको, देखिए। तो अभी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से कहीं से भी जम नहीं आ रहा, मतलब ये हमारा पंचिंग एकदम परफेक्ट है। उसके बाद देखिए ये तो हमारा पंचिंग हो गया, अभी हम सब कलर का पंचिंग करेंगे। तो मैं एक बार होम प्रेस करता हूँ, अभी कौन सा पहला कलर कौन सा चलाएंगे, हम रेड कलर हमने सिलेक्ट किया था तो रेड कलर का पंचिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको करते हैं एक्स वी, मशीन को पीछे लेते हैं, आगे जान देते हैं, यहाँ से करेंगे इसको एक्स वी, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसको एक्स वी, फिर मशीन को पीछे लेंगे, देखिए यहाँ पे आएंगे, इसको करना है एक्स वी करके बैक ट्रैक, यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे एक्स वी। तो ये हमने पहले से ही मैप ले लिया था, इसलिए अभी हमारा पंचिंग एकदम फटाफट हो रहा है। खाली वो ब्लू कलर का ही पंचिंग लंबा था, तो इसी वजह से ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी सारे वीडियो लंबे ही बनेंगे, क्योंकि ये पंचिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो वैसे अगर ये बोलना नहीं होता, समझाना रहता है तो एकदम फटाफट बन जाता है, लेकिन ये बोल बोल के करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए यहाँ पे आए,
फिर यहाँ पे आने के बाद इसको कर देंगे एक्स वी, तो ये हमारा रेड कलर का पंचिंग हो गया। उसके बाद देखिए अल्टर वी वी करना है, और अभी हमारा येल्लो कलर है तो येल्लो कलर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको कर देंगे एक्स वी। उसके बाद देखिए यहाँ पे था हाँ एक्स वी एक्स वी एक्स वी एक्स वी। उसके बाद जैसे ही मशीन हमारा यहाँ पे आएंगे आएगा तो ये लाइन थोड़ी हमें छोटी लेनी है, ये लाइन को यहाँ से ही लेना है एंटर एंटर। देखिए यहाँ से यहाँ लेना है, फिर इसको करेंगे एक्स वी करके वेक्टरक पीछे जाएंगे, इसको कर देंगे एक्स वी। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, उसके बाद इसको कर देंगे एक्स वी। हाँ चल जाएगा। देखिए यहाँ पे तो ये हमारा दूसरा कलर का पंचिंग हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये दूसरा कलर का पंचिंग हो गया। अभी बात करते हैं हमारा तीसरा कलर, जो कि है हमारा ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर पता है आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है, तो इसको कर देंगे एक्स वी। लेकिन इससे पहले इसका भी पंचिंग कर देना है। देखिए ये वाला है यहाँ से, और हाँ चलो हो जाएगा कोई बात नहीं यहाँ से। फिर देखिए यहाँ से शुरू करने से पहले यहाँ से इसको एक्स वी करके एक बार बैकट्रैक कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई बात नहीं, इसको वापस से चेंज कर देंगे। और यहाँ से हमने रन नहीं लिया था शायद, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो वो हमें लेना पड़ेगा। यहाँ से इसको एक्स वी करना है और इसको बैकट्रैक करना है। यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ से एक्स वी एक्स वी। हाँ बराबर है, इसको एक्स वी, यहाँ से इसको एक्स वी। ये ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन वो डब जाएगा, कोई बात नहीं। फिर यहाँ से देखिए यहाँ से ये वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ से देखिए इसको यहाँ से कर देंगे एक्स वी करके बैक ट्रैक। यहाँ से वापस से रिटर्न आएंगे, इसको कर देंगे एक्स वी। फिर यहाँ पे आएंगे, इसको कर देंगे एक्स वी करके बैक ट्रैक। वापस पीछे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे इसको एक्स वी। देखिए ये हो गया हमारा पंचिंग। देखिए अभी ये वाला पार्ट बाकी है, तो मैं देख लेता हूँ क्या गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे देखिए हमने रन नहीं लिया था, तो ये प्रॉब्लम इसी का है। तो हम क्या करेंगे, मशीन को वापस से यहाँ पे लाएंगे। देखिए यहाँ से इसको मैंने बैकट्रैक किया कि नहीं किया, हाँ किया हुआ है। तो देखिए यहाँ से ऊपर जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे इसको एक बार एच प्रेस करेंगे, और यहाँ पे एक नीडल पॉइंट रख लेंगे, वो पीछे पीछे वाले कलर में चली गई नीडल पॉइंट, इसको सिलेक्ट करना है। फिर एच प्रेस करना है यहाँ से, इस सिलेक्ट हो जाए, चलो जान लो कोई बात नहीं। एक बार मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जाते वक्त ही करना है, जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ से इसको यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ से ब्लू कलर से रन लेके यहाँ पे चले जाएंगे। फिर उसी तरह इसको भी करना है, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, फिर ये ब्लू कलर के ऊपर से यहाँ पे चले जाएंगे। अभी मैं कर सकता हूँ खाली अपना ग्रीन कलर चालू। यहाँ पे आएंगे तो देखिए मेरे को खाली एक बार इसका देखना है, स्टार्ट एंड पॉइंट इधर है, तो इसको करेंगे एक्स वी करके बैक ट्रैक, मशीन को वापस लाएंगे। उसके बाद देखिए एक्स वी एक्स वी एक्स वी एक्स वी, यहाँ पे ये हो गया। वापस से रन से इधर आ गए, फिर यहाँ से इसको भी बैक सेम करना है एक्स वी करके बैक ट्रैक। एक बार इसका स्टार्ट एंड पॉइंट देख लेना है बराबर है, एक्स वी एक्स वी एक्स वी एक्स वी, यहाँ पे हो गया। देखिए फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको पता ही है इसको करेंगे एक्स वी। फिर आगे जाएंगे, देखिए ये रन को हमें लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, एक करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यहाँ से आने के बाद इसको कर देंगे एक्स वी, इसको कर देंगे एक्स वी। लेकिन चलो इसको मैं ट्रैवल रन से ले लेता हूँ एक्स वी। फिर बस इनको पीछे लाएंगे, यहाँ पे आना है, इसको करेंगे एक्स वी करके बैक ट्रैक। यहाँ पे आएंगे, इसको खाली एक्स वी करना है, बैक ट्रैक नहीं करना है। यहाँ पे आने के बाद इसको एक्स वी करके बैक ट्रैक, रिटर्न में जाएंगे, इसको करेंगे
एक्स वी, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको एक्स वी करके व्यक्तरेक, फिर यहाँ से इसको एक्स वी। तो देखिए ये हमारा हो गया पंचिंग ऑलमोस्ट, ग्रीन कलर का भी थोड़ा ही बाकी है, और यहाँ से इसको एक्स भी। तो अभी मशीन हमारा यहाँ पे अटका है, फिर देखिए हमने ब्लू कलर इधर से ही चालू किया था, तो इधर से ब्लू कलर का पंचिंग हो जाएगा। अभी जो मेन स्टेप है वो अभी अभी स्टार्ट होगा। तो अभी देखिए अभी क्या करना है, पर्टिकुलर ये रेड कलर है तो ये रेड कलर को ग्रुप कर देना है यहाँ से कंट्रोल जी, उसके बाद ये हमारा येल्लो कलर है तो येल्लो कलर को भी ग्रुप कर देना है कंट्रोल जी, उसके बाद हमारा ये ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर को भी पंचिंग सॉरी ग्रुप कर देना है, खाली ग्रीन कलर को पूरे जितना भी पंच किया है उतना इसको कर देना है कंट्रोल जी करके ग्रुप, और लास्ट में हमारा ब्लू कलर, तो ब्लू कलर भी जितना पंचिंग किया वो सबको आपको ग्रुप कर देना है। और ये वाला हमने इधर यहाँ पे पंचिंग किया था ना, तो चलो इसको क्या करेंगे यार, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चलो कोई बात नहीं, खाली मैं इसको पर्टिकुलर अलग अलग ग्रुप करते हैं। देखिए इसको ना यहाँ से ग्रुप करते हैं, फिर इसको इसको मैं इधर ही ले आता हूँ, देखिए यहाँ से एक बार देखते हैं, गड़बड़ होगा तो वापस बना लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। कंट्रोल जी, और इसको भी मैं कंट्रोल जी करके इसको एक बार इसके ऊपर रख देता हूँ, बाद में ये कर देता हूँ। यहाँ पे रखा है, इसको कर देंगे कंट्रोल जी, ये देखिए इसको करेंगे कंट्रोल डी, इसके ऊपर ले आएंगे, यहाँ से इधर खिसका देते हैं, और ये जो पंचिंग वाला पार्ट है उसको रहने देते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ तक हमारा हो गया, तो अभी देखिए अभी हमको कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, अभी हम सब कलर चालू करेंगे और सब कलर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से देखिए एक दो तीन चार सबके सब कलर को, या तो फिर देखिए मैं इधर ऐसे ही कर देता हूँ, फिर गड़बड़ हो जाएगा, अगर एक भी कलर सिलेक्ट नहीं हुआ तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया, देखिए कंप्लीट है अभी, और ये दोनों को कंट्रोल जी कर देना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ से ये वाला अनग्रुप है, अच्छा ये एक अनग्रुप है तो इसको ग्रुप कर देना है, यहाँ से इसको ग्रुप कर देंगे। अभी देखिए इसको ग्रुप किया, ये दोनों को कंट्रोल जी करके ग्रुप करना है, इसको करेंगे कंट्रोल डी, इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर ले आएंगे, और ये ब्लैक वाले को डिलीट कर देंगे। बस अभी खाली इतना प्रोसेस करना है, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद इसको करेंगे अनग्रुप, इसको करेंगे अनग्रुप, और अभी देखिए ये चारों को, अरे यार हाँ इसको पूरे को ग्रुप रहने दो। इसके बाद ये दोनों को करेंगे ग्रुप, उसके बाद देखिए एक दो तीन चार, ये चार को करेंगे कंट्रोल जी करके ग्रुप, अभी इसको करेंगे कंट्रोल डी, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर ले आएंगे, और ये ब्लैक वाले को डिलीट कर देना है। अभी देखिए खाली एक दो तीन ही है, तो एक इसको मैं करता हूँ अनग्रुप, देखिए एक दो तीन चार है, तो यहाँ से एक को करता हूँ अनग्रुप, देखिए अभी यहाँ से एक, और ये हाँ इसको रहने दो कंट्रोल यू, चलो इसको ऐसे ही करते हैं, एक दो इसको करते हैं कंट्रोल जी, यहाँ से फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, फिर ये ब्लैक वाले को डिलीट कर देंगे। अभी क्या करेंगे, पर्टिकुलर सिंगल ही लेंगे, अनग्रुप करेंगे, देखिए यहाँ पे ये है तो पर्टिकुलर एक को ही ग्रुप कर देंगे, यहाँ से ये दोनों के ग्रुप में ये अंतर करेंगे, नहीं यार सब हो रहा है, देखिए यहाँ से अच्छा इसको अनग्रुप करना है, उसके बाद ही होगा। तो देखिए अभी हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ अभी हो जाएगा, इसको करेंगे ग्रुप, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ कंप्लीट है। इसके बाद देखिए ये तो ग्रुप में ही है, इसको करेंगे कंट्रोल डी, इसके ऊपर ले आएंगे, यहाँ पे हटाएंगे, फिर इसको करेंगे ये। तो अभी ये अभी हमको फाइनल पंचिंग करना बाकी है, तो चलो अभी फाइनल पंचिंग करते हैं। मैं होम प्रेस करता हूँ, अभी खाली हमें कॉपी पेस्ट ही करना है, खाली रेड कलर चालू करते हैं। तो देखिए रेड कलर यहाँ से चालू होगा, तो इसको करेंगे एक्स वी, अच्छा पहले अनग्रुप करना पड़ेगा कंट्रोल यू, इसको कंट्रोल यू, सबको पहले मैं अनग्रुप कर देता हूँ,
जितने भी ग्रुप में है उतने। देखिए इसको करेंगे अनग्रुप, इसको करेंगे ये तो अनग्रुप ही है, इसको करेंगे अनग्रुप, इसको करेंगे अनग्रुप, अनग्रुप ये अनग्रुप है, इसको करेंगे नहीं इसको रहने देते हाँ अभी बराबर है। देखिए यहाँ से खाली मैं रेड कलर सिलेक्ट करता हूँ, इसको करेंगे एक्स वी, इसको करेंगे एक्स वी, एक्स वी, एक्स वी, एक्स वी, ये हमारा एक कलर का पंचिंग हो गया। एक बार चेक भी कर लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए यहाँ से इसको चेक करते हैं, यहाँ पे ये कंप्लीट है। उसके बाद हमारा येल्लो कलर चलेगा, येल्लो कलर भी सेम ही है, एक्स वी, एक्स वी, एक्स वी, एक्स वी, एक्स वी। तो ये हमारा दूसरा कलर का पंचिंग हो गया। अभी तीसरा कलर है हमारा ग्रीन कलर, तो इधर से स्टार्ट होगा एक्स वी, इसको करेंगे एक्स वी। तो देखिए ये वाला मैं बोल रहा था, यहाँ पे ये मेरे को थोड़ा डाउट हो ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, ये ऊपर बनाने के लिए जा रहा है ना, तो इसको एक बार मेरे को देखना पड़ेगा क्यों ऊपर जा रहा है ये। कुछ नहीं करना है, ये ग्रीन कलर में क्या करेंगे इसको, यहाँ से मेरे को थोड़ी मेहनत लग जाएगी, कोई बात नहीं मेहनत कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको करेंगे एक्स वी, तो जम निकल जाएगा। देखिए जम निकल गया, उसके बाद देखिए यहाँ से जम निकल गया है हाँ। उसके बाद इसको करेंगे एक्स वी, खाली ग्रीन कलर में प्रॉब्लम आ रहा है गाइज। तो इसका कैसे करेंगे, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं एक बार, देखिए मैं होम प्रेस करता हूँ, मेरे ख्याल से ये है ना डबल कॉपी लग रहा है मेरे को हाँ, देखा इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पे, देखिए यहाँ से, और ये साला सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो ये एक एरर है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा आप। तो क्या ये नहीं, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसको निकालने के चक्कर में। तो एक बार मैं सब कलर चालू करता हूँ, यहाँ से ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर हमारा ग्रीन कलर आएगा। तो ये क्या यहाँ पे एक एरर आ गया है, सभी 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 में आ गया है। देखिए इसको हटाएंगे, तो खाली मैं ग्रीन कलर चालू करता हूँ, देखिए यहाँ से नहीं है, यहाँ पे एरर है। उसके बाद देखिए यहाँ से जाएंगे, खाली एक ही में एरर है, इसके इसके अंदर ही है, और ये शिफ्ट के करके करूँगे, शिफ्ट के हाँ ये लॉक हो गया था, इसको कर देंगे डिलीट। उसके बाद देखिए अभी देखते कि होता है कि नहीं होता है, इसको एक बार करता हूँ एक्स भी। अभी हमारा मशीन अटका हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये ऊपर क्यों जा रहा है यहाँ पे, और देखिए इसको करेंगे हम एक्स भी, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर बनने के लिए जा रहा है। यहाँ पे अटकेंगे, उसके बाद देखिए इसको मैं एक बार करता हूँ अनग्रुप। उसके बाद देखिए एक कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्स भी करेंगे, फिर भी ये ऊपर ही जा रहा है। अच्छा इसमें प्रॉब्लम है, इसको कर देंगे डिलीट, वो भी नहीं हो रहा है। देखिए अभी मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा, एक्चुअल प्रॉब्लम का है वो वाली देखनी पड़ेगी। यहाँ से ये बन रहा है, फिर ये वाला बन रहा है ना हाँ, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ से एक्स वी एच प्रेस करेंगे, इसका स्टार्ट ऊपर रखेंगे, एंड पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। देखिए अभी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। उसके बाद इसको हटाएंगे, ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे एक्स भी। उसके बाद देखिए इसका देख लेते हैं हाँ, इसको करेंगे एक्स भी, एक्स भी, एक्स भी, अच्छा सॉरी हाँ बराबर है एक्स भी। यहाँ पे आने के बाद इसको करेंगे एक्स भी, एक्स भी, एक्स भी, एक्स भी। उसके बाद ये वाला हमारा बच जाता है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ये चारों को सिलेक्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं एक्स वी, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर एक्स वी। तो देखिए
यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से मुझे रन लेके आना पड़ेगा। हाँ, ये सिंगल है, इसको करेंगे कंट्रोल डी, एच प्रेस करेंगे, स्टार्ट एंड पॉइंट को चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये अभी जंप निकल गया है, तो ये कभी कभार क्या प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये हमारा कॉपी रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ से क्यों हो रहा है? अच्छा, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पे आएंगे और ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर देते हैं, इसको कर देते हैं एक्स भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाएंगे और ये पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ये पूरे को कर देंगे एक्स भी, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको एक्स भी कर, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एक्स भी करेंगे, फिर यहाँ से ये पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे और यहाँ से करेंगे, इसको कर देंगे एक्स भी। तो देखिए अभी हमारा प्रॉब्लम सब सॉर्ट हो गया है, तो अभी क्या करेंगे, अभी वापस से हमें खाली यह इसको पंच करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से इसको ग्रुप करना पड़ेगा, तो ये ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसमें से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐसा प्रॉब्लम आता है तो किस तरह से इसको सॉर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि फिर इसको पूरा ही आपको बनाने बैठ जाना पड़ता है, वो प्रॉब्लम आप ही को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। देखिए यहाँ से फिर चलो ये वाला तो कम्प्लीट है, ये वाला कम्प्लीट है, ये वाला तो इसको कर देते हैं एक्स भी। देखिए यहाँ से फिर जंप आ रहा है, तो क्या करेंगे कंट्रोल सेट करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे अनग्रुप और इसको करेंगे ग्रुप। देखिए यहाँ से इसको कर देंगे कंट्रोल जी करके ग्रुप, फिर यहाँ से इसको कंट्रोल डी यहाँ पे लाएंगे, यहाँ से सीधा ले आएंगे, ब्लैक वाले को डिलीट करेंगे, तो हमारा जंप निकल जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला है, तो अभी ये वाला तो हमने ग्रुप में से निकाल लिया, तो इसको ग्रुप करना पड़ेगा, ये इतने को ग्रुप करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से इसको निकाल देते हैं, फिर इसको करते हैं एक्स वी, यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद इसको एक्स वी। यार तकलीफ वाली बात है, तकलीफ तो है यार, यहाँ पे देखिए फिर इसको ग्रुप करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कर देते हैं ग्रुप, फिर यहाँ से इसको कंट्रोल डी इसके ऊपर लाएंगे, यहाँ से इधर खिसकाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पे हमारा मशीन अटका हुआ है, तो खाली अभी इसको ग्रुप करना है, यहाँ से देखिए इसको ग्रुप करेंगे, फिर इसको कर देंगे एक्स भी। देखिए यहाँ से ये यह है, वो मैंने वो पंचिंग है ना, थोड़ा पंचिंग में गड़बड़ कर दी थी, वो पंचिंग जैसे हमने ब्लू कलर का किया ना, उस हिसाब से करना था, लेकिन मैंने चुल मची थी तो मैंने इस साइड से कर दिया कि चलो जब प्रॉब्लम आएगा तब सॉल्व कर देंगे। वैसे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन थोड़ी मेहनत बढ़ गई है और कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी और क्या, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। यहाँ से इसको करेंगे कंट्रोल जी और इसको कर देंगे एक्स भी, और लास्ट में ये वाला है, तो ये वाले देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। वैसे इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्स भी प्रॉब्लम है ही यार। चलो कोई बात नहीं, इसको करेंगे कंट्रोल डी इसके ऊपर, अरे ये ग्रुप नहीं हुआ क्या, इसको कंट्रोल जी, इसको करेंगे कंट्रोल डी इसके ऊपर लाएंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, ये निकाल लेंगे, एक्चुअली ये वाला निकालना है डिलीट। तो देखिए ये हमारा पंचिंग हो गया। अभी बात करते हैं हम ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर का कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्स वी, उसके बाद यहाँ से इसको एक्स वी करेंगे, हाँ बस खाली जंप नहीं आना चाहिए, यही चेक करना था मेरे को। देखिए अभी यहाँ यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद ये दोनों को सिलेक्ट करना है और एक्स भी करना है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये दोनों को सिलेक्ट करके एक्स भी कर देना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद ये दोनों को एक्स भी कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये दोनों को सिलेक्ट करके इसको एक्स भी कर देंगे, और लास्ट में देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको एक्स भी कर देंगे। तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, मैं होम प्रेस करता हूँ, तो हमारा पंचिंग मेरे ख्याल से अभी कंप्लीट हो गया है, ये रेड कलर, उसके बाद येलो कलर, उसके बाद ग्रीन, और यहाँ पे ये हमारा ये ग्रीन ब्लू कलर। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम एडजस्ट कर लेना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।